नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज होगा। यह टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट शिक्षक भर्ती से संबंधित आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप TGT, PGT, ELT या GIC या KVS या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, यह प्रैक्टिस सेट सीरीज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग UPPCS, RO, APS या अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, जिसमें इतिहास विषय से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? ऑप्शन दिया गया पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, या फिर डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। देखिए, 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन प्रारंभ हो गया था, और इस क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आते हैं, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और सबसे अंत में फ्रांसीसी व्यापार करने हेतु भारत में आते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को परीक्षाओं में एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो कंपनियाँ भारत में व्यापार करने हेतु आई थी, उनकी स्थापना का वर्ष या स्थापना वर्ष का क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग स्थापना वर्ष को देख लेते हैं। तो पुर्तगीज कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में, पुर्तगाली या पुर्तगीज कंपनी की स्थापना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1602 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 31 दिसंबर 1600 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1664 में। तो सबसे पहले 1498 हो जाएगा, फिर 1602, फिर 1602 तीन और 1664 चार, ये आपका क्रम हो जाएगा, कंपनी के स्थापना के वर्ष का क्रम हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग दो देखते हैं। प्रश्न संख्या दो में पूछा गया है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पहुँचा था? ऑप्शन दिया गया सूरत, कन्याकुमारी, कालीकट या फिर मालाबार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीकट। देखिए, 1498 ईस्वी में, या ऊपर लिखा भी हुआ है, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत में केरल के मालाबार तट में स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा, और इस क्रम में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद या मनीद ने उसकी सहायता की थी। इस समय कालीकट का जो शासक था वह जमोरिन था। आइए वास्को डिगामा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, वास्को डिगामा पहली बार भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में। दूसरी बार बात करें तो 1502 में वह भारत में आता है, और तीसरी बार वह 1524 में भारत में आता है। 1524 में आता है और 1527 में क्या होता है? कोचीन में उसकी डेथ हो जाती है। कहाँ पे? कोचीन में। यह भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि वास्को डिगामा की मृत्यु भारत में कब और कहाँ हुई थी। आइए प्रश्न संख्या हम लोग तीन देखते हैं। प्रश्न संख्या तीन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपने प्रथम भारतीय दुर्ग का निर्माण किया? ऑप्शन दिया गया गोवा, कोचीन, कन्नानौर या फिर सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोचीन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1503 में, और जो उसकी दूसरी फैक्ट्री थी, दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कन्नानौर में की गई थी। जो पहले फैक्ट्री होती थी उसे ही कोठी, उसे ही कारखाना और उसे ही दुर्ग कहा जाता था। प्रश्न संख्या चार देखते हैं। प्रश्न संख्या चार में पूछा गया है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को अल्मीडा, अल्फांसो अल्बुकर्क, अल्फांसो डियाज या फिर वास्को डिगामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वायसराय बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। इसने भारत में जिस एक नई नीति को प्रारंभ किया उसे नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया था। जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था समुद्र के क्षेत्र में यानी कि हिंद महासागर में मजबूती स्थापित करना। पुर्तगालियों ने अपने जिस एक सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना की थी उसे स्टाडो दी इंडिया कहकर पुकारा गया। क्या कहकर पुकारा गया था? उसे कहकर पुकारा गया था स्टाडो दी इंडिया। आइए प्रश्न संख्या हम लोग पांच देखते हैं। प्रश्न संख्या पांच में पूछा गया है, भारत में पहला पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया गया अल्बुकर्क, अल्मीडा, अल्वारेज कैब्रॉल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बुकर्क। देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, जबकि पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1509 ईस्वी में दूसरा गवर्नर बनकर अल्बुकर्क भारत आया, और इसका समय काल क्या था? 1509 से लेकर के 1515 तक।
ठीक है, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, पुर्तगाली गवर्नर अल्बू कर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीन लिया था। ऑप्शन दिया गया है 1505, 1509, 1510 या फिर 1508। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1510। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। अल्बू कर्क ने भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। इसके अलावा उसने भारत में पुर्तगालियों के अस्थाई निवास को बढ़ावा देने के लिए यानी अस्थाई आबादी को बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। 1515 ईस्वी में उसकी मृत्यु गोवा में हो गई थी। अल्बू कर्क के समकालीन विजयनगर का एक अत्यंत प्रसिद्ध शासक थे, उनका क्या नाम था, कृष्णदेव राय थे। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, भारत में पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण देन क्या है, तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण उद्योग की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना या उपयुक्त में से सभी। तो जो पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण देन है भारत के लिए क्या क्या है, तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण उद्योग की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना यानी कि उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसके अलावा दक्षिण भारत में पहली बार गोला बारूद का उपयोग किया गया था। अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करें तो पहली बार उपयोग किया गया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। मूँगफली हो गया, मकई हो गया, टमाटर हो गया, शकरकंद हो गया और रबर प्लांट पुर्तगालियों द्वारा ही भारत में लाया गया था। इसके अलावा आलू, लाल मिर्च, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल आदि महत्वपूर्ण जो भारत में पुर्तगालियों द्वारा ही लाए गए थे। प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, स्पेन का 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेजी एवं डच नौ सैनिक शक्ति का उदय, औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। तो उसके पतन का जो प्रमुख कारण था वो कौन कौन सा था, यह तीनों सही है। स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार, भारत में पुर्तगाली मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेज एवं डच नौ सैनिक शक्ति का उदय, जबकि औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति क्या था, यह इसका मुख्य कारण नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया है 1600, 1601, 1602 या फिर 1605। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1602। यह हम लोगों ने पहले ही प्रश्न में देखा था। देखिए डचों ने भारत में प्रश्न संख्या 9 देख रहे हैं ना, हाँ देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। हॉलैंड या नीदरलैंड के जो निवासी थे उन्हें डच कहा जाता था। डचों की दिलचस्पी भारत के बजाय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मसालों के व्यापार पर अधिक थी। भारत के सूती वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है डचों को। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम बस्ती कहां पर बसाई, सूरत, पुलिकट, मसूलीपत्तनम या फिर कोचीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मसूलीपत्तनम। देखिए डचों ने भारत में 1605 ईस्वी में कोरोमंडल क्षेत्र में स्थित मसूलीपत्तनम में अपनी पहली फैक्ट्री या बस्ती की स्थापना की थी। कब किया था, 1605 में। कहां किया था, 1605 में कहाँ किया था, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ है, मसूलीपट्टनम को आधुनिक समय में मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ है, यह आपका है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। 1610 में पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की और इसे इसका मुख्यालय बनाया। डचों ने क्या किया था आगे चलकर 1610 में क्या किया, 1610 में पुलिकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। डचों द्वारा पुलिकट में बनाए गए किले को गैलरिया का किला कहा जाता है। इनके द्वारा ढाले गए सिक्कों को पैगोडा कहा गया। जो इन्होंने भारत में सिक्के ढाले उसे क्या कहा गया, उसे पैगोडा कहा गया। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, पैगोडा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम बस्ती कहां पर बसाई, सूरत, प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा गया है, वेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसियों एवं डचों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच या फिर अंग्रेजों एवं डचों के बीच। जो वेदरा का युद्ध हुआ था वह अंग्रेजों एवं डचों के बीच में हुआ था और यह युद्ध कब हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1759 में डचों और अंग्रेजों के बीच में। जो 1759 में युद्ध हुआ था वह वेदरा का युद्ध था। वेदरा कहाँ है, वेदरा आपका पश्चिम वेस्ट बंगाल में है और इस युद्ध के बाद निर्णायक रूप से अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया,
हम ईसाई व मसाले लेने आए हैं। ऑप्शन दिया गया फ्रांसिस जेवियर, रॉबर्ट डी नोबिली, वास्को डिगामा या फिर संत थॉमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्को डिगामा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? जॉन मिल्डन हॉल, हेनरी मिडिल्टन, कैप्टन हॉकिंस या सर थॉमस मुनरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन मिल्डन हॉल। देखिए जॉन मिल्डन हॉल ऐसा पहला अंग्रेज था जो 1599 ईस्वी में, कब 1599 में, 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन था, तो कौन था, रेड ड्रैगन। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा इंग्लिश कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए कब एकाधिकार पत्र प्रदान किया गया था? 31 दिसंबर 1599 में, 31 जनवरी 1600, 31 दिसंबर 1600 या 31 नवंबर 1600। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 16। 16 में पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था, प्रारंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूभाग नहीं व्यापार। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन दिया गया अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। देखिए जहांगीर का जो शासन काल है वह है 1605 से लेकर के 1627 तक। तो इसी समय में क्या हुआ था, इसी समय में पहली बार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पहले कारखाना को स्थापित किया था। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 18। 18 में पूछा गया है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर हेक्टर नामक जहाज का कप्तान बनकर 1608 ईस्वी में कौन भारत आया? कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, कैप्टन मिल्डन हॉल या जॉब चार्नॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। देखिए 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज का कप्तान बनकर सूरत बंदरगाह पर आया था और वह सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति हेतु हॉकिंस जो था वह आगरा में जाकर जहांगीर से मिला था। उसने तुर्की भाषा में जहांगीर से बात की। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब तथा इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि भी प्रदान की थी। यह भी परीक्षाओं में पूछा गया कि उसे कितना मनसब दिया गया था, 400 का मनसब दिया गया था, 400 मनसब का पद दिया गया था और उसे फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन दिया गया मद्रास, मसूलीपत्तनम, सूरत या फिर हुगली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मद्रास। देखिए 1639 में, कब 1639 में क्या हुआ, 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया था। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक दुर्ग की स्थापना की जो कि दक्षिण भारत का मुख्यालय बना। मद्रास अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी थी। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? मद्रास, कालीकट, हुगली या फिर सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत। देखिए 1613, कब 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने थॉमस एल्डवर्थ के अधीन अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। हालांकि इसके पूर्व 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में यानी कि आंध्र प्रदेश में तकनीकी रूप से फैक्ट्री की स्थापना हो चुकी थी। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूध बनकर कौन मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था? कैप्टन हॉकिंस, गेरल्ड अंगियार, कैप्टन मिडिल्टन या सर थॉमस रो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर थॉमस रो। देखिए 1615 में क्या हुआ, 1615 में सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूध बनकर लायन नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर उतरा और वह अजमेर में जाकर जहांगीर से मिला। इसके पहले हॉकिंस आया था तो वह जहांगीर से कहां मिला था, आगरा में जाकर मिला था और यह कहां मिल रहा है, अजमेर में मिल रहा है। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है, दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, कालीकट या फिर कन्नानौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम को आधुनिक समय में मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है और किस राज्य में है, यह है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, अंग्रेजों ने अपने पहले किलेबंद कारखाने की स्थापना मद्रास में की थी, जिसे निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट गैलरिया, फोर्ट विलियम या फोर्ट सेंट डेविड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका नंबर ई हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। इसमें पूछा गया है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, ऑप्शन दिया गया बालासोर उड़ीसा, हुगली बंगाल, कासिम बाजार बंगाल या फिर पटना बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बालासोर। देखिए 1633 ईस्वी में क्या हुआ, 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर एवं हरियरपुरा, ये दोनों कहाँ है, दोनों ओडिशा में, वहाँ पर स्थापित किया था। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कारखाने की स्थापना कब की, 1605, 1651, 1652 या 1649। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी अंग्रेजों ने बंगाल में अपने कारखाने की स्थापना की थी, और कहाँ पर किया था यह बंगाल में, तो यह किया था हुगली में। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की, लॉर्ड क्लाइव, कुक, गेराल्ड ऑंगियार या जॉब चार्नॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉब चार्नॉक। देखिए औरंगजेब के शासनकाल में जॉब चार्नॉक को सुल्तानाती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की अनुमति मिली थी, और इसी जगह पर कालांतर में आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना भी हो गई थी। कलकत्ता शहर की स्थापना सुल्तानाती, कालीकट तथा गोविंदपुर नामक तीन गांव को मिलाकर की गई थी। देखिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये टॉपिक वाइज है, और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे टॉपिक वाइज पूरे इतिहास को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर पूर्ण अधिकार कब हुआ, 1764, 1765, 1766 या फिर 1767। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1764। देखिए 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजों का बंगाल में पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया था। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। 28 में पूछा गया है, पूरा प्रश्न ले लेते हैं। 28 में पूछा गया है कि उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था, ऑप्शन दिया गया सर जॉर्ज ऑक्सिंडन, फ्रांसिस डे, सर टॉमस रो या सर जॉन चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसिस डे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक प्रकार के लेन देन से मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी, ऑप्शन दिया गया दस्तक, औरंग, जाकत या गोमत्सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, दस्तक। देखिए दस्तक के अंतर्गत कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले कर मुक्त व्यापार के पुराने अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इतिहासकार आम्स ने इसे कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा। यह स्टेट में भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसने इसे कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा, किसने कहा था, आर्म्स ने। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे बंबई नगर का संस्थापक माना जाता है, गेराल्ड ऑंगियार, जॉब चार्नॉक, चार्ल्स द्वितीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, गेराल्ड ऑंगियार। देखिए बंबई प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर गेराल्ड ऑंगियार था, या गेराल्ड ऑंगियार को ही बंबई, जिसे वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, का संस्थापक माना जाता है। इसने बंबई के गवर्नर के रूप में तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए एक टकसाल की भी स्थापना की थी। बता दें कि अंग्रेजों ने बंबई में ही अपना प्रथम टकसाल खोला था। प्रश्न संख्या हम लोग 31 देखते हैं। 31 में पूछा गया है पुर्तगालियों ने 1661 में बंबई को दहेज स्वरूप किसे दिया था, ऑप्शन दिया गया ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, जमोरिन को, महारानी एलिजाबेथ को या महारानी विक्टोरिया को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। देखिए 1661 में क्या हुआ, 1661 में एक संधि के अनुसार स्पेन ने इंग्लैंड की युवराज चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेंगरेंजा से विवाह करने पर बंबई जो कि दहेज में दे दिया था। 1668 में क्या हुआ,
1668 में क्या हुआ, 1668 में इस बंबई शहर को युवराज चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 पाउंड के बदले में व्यापार करने हेतु दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले में व्यापार करने हेतु दे दिया था। प्रश्न संख्या हम लोग 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ, 1632, 1651, 1668 या फिर 1717 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1632। देखिए गोलकुंडा के शासक ने 500 पैगोडा, पैगोडा क्या होता था, पैगोडा मैंने जैसे कि इसके पहले बताया कि पैगोडा डचों द्वारा भारत में ढाले गए सिक्कों को क्या कहा गया था, पैगोडा। तो गोलकुंडा के शासक ने 500 पैगोडा वार्षिक करके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी, इसे ही सुनहरा फरमान कहा गया। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है, 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया, ऑप्शन दिया गया सर चार्ल्स आयर, सर चार्ल्स नेपियर, जॉब चार्नॉक या जॉन गेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सर चार्ल्स आयर। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी 1699 या 1700 में। किताबों में अलग अलग डेट मिलता है, किसी में 1699 वर्ष मिलता है और किसी में 1700 ईस्वी मिलता है। जॉब चार्नॉक इसका संस्थापक था, इसका प्रथम अध्यक्ष या गवर्नर सर चार्ल्स आयर था। अगर हम लोग बात करें इसका संस्थापक, तो जॉब चार्नॉक इसके पहले प्रश्न में हम लोग देखा था, और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, सर चार्ल्स आयर। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 से पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था, सर जॉन चाइल्ड, गेराल्ड ऑंगियार, कैप्टन मिडल्टन और सर जॉन गियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड। देखिए 1688 में क्या हुआ, 1688 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजों ने हुगली शहर को लूट लिया था, और उस समय औरंगजेब ने क्या किया, तब बदले की कार्रवाई करते हुए और अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ दिया। बाद में जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब से माफ़ी मांगी, औरंगजेब ने हरजाना लेकर अंग्रेजों को फिर से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। आइए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फरूख सियर के दरबार में किसके नेतृत्व में अंग्रेज प्रतिनिधियों का एक दल उपस्थित हुआ था, मार्टिन कूपर, जॉन हैमिल्टन, ख्वाजा सेहूर्द या फिर जॉन सुरमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन सुरमन। देखिए 1717 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में अंग्रेज व्यापार प्रतिनिधियों का एक दल मुगल सम्राट फरूख सियर के दरबार में उपस्थित हुआ था। उस समय फरूख सियर एक गंभीर फोड़े से पीड़ित था, जिसका सफलतापूर्वक इलाज हैमिल्टन ने कर दिया था। फरूख सियर इससे खुश हुआ और उसने कंपनी के नाम एक फरमान जारी की थी। प्रश्न संख्या हम लोग 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी, 1763, 1748, 1749 और 1760। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1760। देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी सेना के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। इसमें पूछा गया है कि डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ, ऑप्शन दिया गया 1609, 1616, 1620 या 1615। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1616। इस कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था, और इसकी फैक्ट्री टेक्वेमवार में, जबकि दूसरी जो कंपनी थी श्रीरामपुर में स्थापित हुई थी। जो उसकी पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पे स्थापित हुई थी, टेक्वेमवार में, और दूसरी कंपनी कहाँ हुई थी, श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर भारत में इसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। 1745 ईस्वी में इस कंपनी ने अपनी सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनियों को बेचकर यहाँ पर चली गई थी। प्रश्न संख्या हम लोग 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का सम्राट कौन था, लुई 14वां, लुई 13वां, लुई 12वां या फिर लुई 15वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, लुई 14वां। देखिए लुई 14वें के शासनकाल में उसके वित्त मंत्री, यहाँ पर भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया, उसका वित्त मंत्री कौन था, उसका वित्त मंत्री था कोलबर्ट। तो लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। यह एक सरकारी कंपनी थी जिसका मूल नाम कंपनी डी इंडिसे ओरिएंटल्स था। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 39। इसमें पूछा गया है,
भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1668 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिया गया मछलीपत्तनम, सूरत, पेटापुली या फिर नागपट्टनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरत में। देखिए भारत में इसकी पहली फैक्ट्री फ्रांसिस कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1668 में। किया था फ्रांसिस कैरो ने। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है, फ्रांसीसी किलेबंद फैक्ट्री फोर्ट लुई की स्थापना किस स्थान पर हुई? पांडिचेरी, चंद्रनगर, हुगली या फिर मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पांडिचेरी। पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी द्वारा जिस किले का निर्माण करवाया गया था उसे फोर्ट सेंट लुइस के नाम से जाना जाता था। पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने की थी। किसने किया था? फ्रैंको मार्टिन ने। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 41। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन दिया गया क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क या फिर वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डुप्ले। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 42 देखते हैं। 42 में पूछा गया है कि पांडिचेरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दुमस, डुप्ले, मार्टिन या ला वार्डोनिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्टिन। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन द्वारा पांडिचेरी शहर की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया कि चंद्रनगर एक क्या था? ब्रिटिश कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी, पुर्तगाली कॉलोनी थी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रेंच कॉलोनी। चलिए देखिए, पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि फ्रैंको मार्टिन ने बंगाल में चंद्रनगर में एक महत्वपूर्ण बस्ती की स्थापना की थी जो कि बंगाल में उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया है, प्रारंभ में यूरोप से आए व्यापारी किस भारतीय वस्तु का व्यापार करते थे? नील, चाय, कॉफ़ी या मसाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मसाले। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 45 में पूछा गया है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन दिया गया बिहार, गुजरात, बंगाल और मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बिहार। ये सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार। आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? 1798, 1813, 1833 या 1853। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या पूछा है? भारत में व्यापार पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1813। देखिए 1813 में क्या होता है, 1813 में कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया, जबकि 1833 में क्या होता है, यहाँ पे पूरी तरीके से व्यापार का ही अधिकार खो दिया, मतलब एकाधिकार नहीं व्यापार का अधिकार खो दिया। तो यह थे आज के महत्वपूर्ण 46 प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें, चैनल अगले वीडियो को भी देखें, जरूर देखें। धन्यवाद।